स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे चैनल पर। और ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी जगह दिखाना चाहती हूँ। गाइस, ये वाला जो है वो हमारा गांव है, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है। और उसके पार वाली साइड जो ये वाली सेटलमेंट आपको दिख रही है, सगेत इस जगह का नाम, और इसके साथ वाली जो सेटलमेंट आपको दिख रही है बिल्कुल साथ में, वो आई थिंक काफ़ी ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फॉग है इस टाइम पर। और उस जगह का नाम है कसोग। एंड इसके अलावा यहाँ का व्यू और भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि प्लांटिंग कैसे करते हैं एप्पल की और क्या क्या चीजें उसमें नेसेसरी होती है। तो चलो फिर एक सेकंड, उसके लिए हम खाद भी लेकर जाएंगे साथ में। तो ये है जो हम लेकर जाएंगे, लेट्स गो। गाइस, आज हम प्लांटिंग कर रहे हैं एप्पल की, एज यू नो। तो ये वाली जो वेराइटी है इसका नाम है स्पर, और स्पर के अंदर भी बहुत सारी सब वेराइटीज़ होती है, और उसमें से जो ये वेराइटी इसका नाम है जेरामाइन। और यहाँ तो गाइस, जो हमने इसको ऊपर से कट कर दिया है उसका रीज़न ये है कि अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबे होने की वजह से जो भी हम इसके लिए खाद पानी जो भी डालते हैं वो सब पूरे पौधे के लिए बिल्कुल वो डिवाइड हो जाएगा उन सब में। तो हमने इसलिए इसको इतना रखा ताकि जितना भी पोषण है वो इसी को मिले, और फिर उसके बाद ये अलग से ग्रो करना शुरू करेगा ताकि वो बिल्कुल प्रॉपर उसकी डाइट के साथ और जो भी खाद वगैरह मिलती है इसको उसके साथ ये ग्रो करे। और जो ये हमने इसके लिए अलग से एरिया बना दिया है बिल्कुल छोटा सा, ये इसलिए बनाया है ताकि जो पानी है गाइस। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपने ऑर्चर्ड में सिर्फ स्पर वेराइटी ही क्यों लगाने जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो स्पर है वो बहुत जल्दी विद इन 3 ईयर्स फ्रूट्स देना स्टार्ट कर देता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पर हमें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि टेम्परेचर एकदम माइनस में जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बॉनफायर कर लिया जाए। तो मैं ये थोड़ा सा घास लेकर आई इकट्ठा करके, और फिर हमने यहाँ पर बॉनफायर कर लिया ताकि हमें ठंड भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने पीठ में क्या उठाया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एप्पल बास्केट है, और या फिर इसको आप एप्पल ट्रे भी कह सकते हो। और ये डिफरेंट टाइप्स के बने होते हैं, प्लास्टिक के अलावा ये बैम्बूस के भी बने होते हैं जिनको हम लोकल लैंग्वेज में किल्टू बोलते हैं, और उससे हम काफ़ी सारी नई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि कुछ छोटे छोटे केजेस होते हैं, बास्केट्स होते हैं, और कुछ छोटे बकेट्स होते हैं। इस तरह से हम बैम्बूस के साथ कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो गाइस, यहाँ हम आए हैं पाइन ट्री की लीव्स इकट्ठा करने, ये वाली, और साथ में हम आए हैं पाइन स्लेज, वो आग जलाने के लिए बहुत यूजफुल होता है, और
जो पाइन टी ट्री की लीव्स है ये नीचे भी छानने के लिए, जैसे मैं ये लेकर जा रही हूँ कल जो हमने प्लांटिंग करी थी ना उन प्लांट पे लगाने के लिए। ऐसे क्या ही अच्छी लगी ना। सो गाइज, आप लोगों को पता है कि जो पाइन ट्री की लीव्स होती है वो नीडल्स की शेप में क्यों होती है? वो इसलिए होती है ताकि वो अपने अंदर वाटर रिटेन रख पाए और विंटर्स में इस पेड़ को सरवाइव करने में हेल्प कर पाए। ये जो आप ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना शाइनिंग सा, ये है ब्लैक इंक और ये हम यूज़ करते थे बचपन में जब तख्ती लिखते थे तो उसको लिखने के लिए हम ये यूज़ करते थे और इसमें इंक भी होता था, लेकिन अभी तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ इसको कोई यूज़ भी नहीं कर रहा है तो अभी इसमें इंक है भी नहीं। एक और बात कि पाइन ट्रीज को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो हिंदी में इनको कहते हैं चीड़ के पेड़ या फिर हम इनको चील के पेड़ भी कह सकते हैं जो कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब देखो हमने इसको फुल कर दिया है और अब हम जाएंगे और जो हमने पाइन्स की लीव्स इकट्ठी करी है ना वो भी हम जाके प्लांट्स के रूट्स में रखेंगे और फिर हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। चलो फिर। कुछ एक ट्रीज के पास तो पापा ने ये बिछा दिया है लेकिन कुछ एक ट्रीज के पास हमें भी जाना है तो अभी हम वही करने जा रहे हैं। वेट, आपको पता है चीड़ की पत्तियों को यानी कि पाइन ट्री की लीव्स को पहाड़ी में क्या बोला जाता है? तो हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सरेउर। और इन पेड़ों की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, यानी कि ये सिर्फ उत्तरी भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा ये फॉरेन कंट्रीज में भी काफ़ी जगह मिलते हैं। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग ये। और एक और खास बात कि इन लीव्स को ऑयल्स निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो पाइन ऑयल होता है वो इन्हीं लीव्स का बना होता है। सो ये जितने भी सारे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं ये सारे एप्पल के प्लांट्स हैं और बीच बीच में जहाँ पर थोड़े थोड़े स्पेसेस थे वहाँ पर अभी हम फिर से प्लांटिंग कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू। बाय बाय। अरे अरे, मैं इनसे मिलाना तो आपको भूल ही गई। ये हमारे फैमिली के न्यू मेंबर है और इसका नाम है लिली, लेकिन हम इसको प्यार से कुछ भी बुला लेते हैं, जैसे कि मैं तो इसको प्यार से कुज्जू बुलाती हूँ। और इसकी क्यूटनेस का अंदाजा तो आप इस वीडियो से लगा ही लोगे। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी नई वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है जो कि होगी एक अनएक्सपेक्टेड ट्रिप के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और एम रखती हूँ कि इस वीडियो से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।